काजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल काजल सागा. आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी शोइंग यू ऑल माय हेयर केयर रूटीन, व्हाट ऑल आई यूज इन माय हेयर केयर एंड हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई कैप्सूल. इन दोनों को हम मिक्स करके यूज करेंगे. कोकोनट ऑयल और ये विटामिन ई कैप्सूल हेल्प करता है हेयर ब्रेकेज को कम करने में, स्प्लिट एंड्स को कम करने में, हेयर की ड्राइनेस को कम करने में, और आपके हेयर को ये मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, और हेयर ग्रोथ कोकोनट ऑयल से काफी अच्छी हो जाती है. तो इन दोनों को हम मिक्स करके यूज करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ऑयल अप्लाई करना है, तो कोकोनट ऑयल ले लेते हैं. एंड इसमें अब हम एक विटामिन ई कैप्सूल हम ऐड करेंगे. सो मैंने एक कैप्सूल का ऑयल इसमें डाल लिया है. इसको अच्छे से मिक्स करके हमें अपने बालों पे अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से. सबसे पहले जब हम ऑयल लगा रहे हैं तो हमें उसमें विटामिन ई कैप्सूल हमें ऐड करना है, ताकि वो फिर पूरे के पूरे बालों में वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए. देन हम कोकोनट ऑयल हम सिंपल इसके बाद अप्लाई करते रहेंगे. ओके, तो मैंने कोकोनट ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने हेयर में. अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें एलोवेरा जेल यूज करना है. एलोवेरा जेल लगाएंगे अब हम. तो इसके लिए मैंने 2 से 3 एलोवेरा इस तरीके से स्लाइटली कट करके रख लिए हैं. एंड अब हम इसको अप्लाई करते हैं. सो मैं आपको बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है. कुछ इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे. एंड्स पर हमें इसको अच्छे से अप्लाई करना है. स्कैल्प पर भी हमें एलोवेरा को अच्छे से अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से. कुछ इस तरीके से सो मैंने एलोवेरा जेल अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने बालों में और बालों को अच्छे से टाई कर लिया है. सो अब हम इसको 1 से 2 घंटे तक रखेंगे, देन हेयर वॉश हम कर लेंगे. सो मैं आपको हेयर वॉश करने के बाद मिलती हूँ. सो मैंने हेयर वॉश कर लिया है और बालों को डिटैंगल भी कर लिया है. सो अब हम अप्लाई करेंगे सीरम. सीरम के लिए मैं यूज करती हूँ स्ट्रीक्स प्रोफेशनल का हेयर सीरम. सो ये आपके बालों को हाई ग्लॉस देता है, सिल्की बनाता है और स्मूथ फिनिश देता है. सो मैं आपको बताती हूँ इसे अप्लाई कैसे करना है. जस्ट हमें थोड़ा सा सीरम लेना है एंड इसको स्लाइटली अपने बालों पर अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से. एंड्स पर सीरम को लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बालों के एंड्स पर, ताकि स्प्लिट एंड्स ना हो. एंड सो मैंने अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और हम इस तरीके से सीरम लगाएंगे. सीरम आप चाहें तो बाल जब आपके ड्राई हो जाएं तब भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम वेट हेयर्स में सीरम लगा देते हैं वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है. सो अब हम बालों को एक बार और कॉम कर लेंगे, ताकि वो जेंटली और अच्छे से हर तरफ हमारा सीरम स्प्रेड हो जाए.
okay. So now I am done. आप भी मेरा ये हेयर केयर रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. सो जो ये हेयर केयर रूटीन है, ये आपके बालों की ड्राइनेस, रफनेस और डलनेस को कम करता है, आपके बालों को नरिश करता है. तो इस हेयर केयर रूटीन को आप वीक में एक बार फॉलो कर सकते हैं. एक बार में ऐसा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन आपको हाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा. टाइम के साथ साथ आपके बालों की रफनेस कम हो जाएगी, ड्राइनेस कम हो जाएगी और आपको रिजल्ट इसे 100% मिलेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम. ओके, सो आपको अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन टू गेट दी नोटिफिकेशन ऑफ माई YouTube वीडियोज. थैंक यू.